सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। लोगों ने साथ नहीं दिया तो अफसोस मत करना, ख्वाब आपके हैं तो कोशिश भी आपकी होनी चाहिए। भरोसा ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वो ही पाओगे, मगर भरोसा अगर खुद पर है तो ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहोगे। बहुत ही आसान है जमी पर मकान बना लेना, दिल में जगह बनाने में जिंदगी गुजर जाती है। आज का पंचांग 4 सितंबर 2021 दिन शनिवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 8:24 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुष्य नामक नक्षत्र सुबह 8:24 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:19 से 10:52 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगे। मेष राशि 4 सितंबर 2021 दिन शनिवार, अभी कानूनी परेशानियां आपकी खुशियों में बाधा बन सकती है। काम में अपने प्रयास जारी रखें और आप अपने रास्ते में दुश्मनों की बातों को अनदेखा करें और उन पर विचार केंद्रित करें जो आपके ऊपर निर्भर है, और आत्ममूल्य व अन्य भावनाओं को समझें। अपने आंतरिक संघर्षों को सुलझाएं। आज घरेलू मामलों को नए मुद्दों से अधिक प्राथमिकता देंगे। जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाना जरूरी है। प्रसन्न रहें और सबको प्रसन्न रखें। हमेशा ध्यान में रखें कि आपका सफल होने का संकल्प किसी भी अन्य संकल्प से महत्वपूर्ण है। समय उत्तम है, अपने कार्यों तथा मेहनत का पूरा पूरा फल मिलेगा। मेहमानों के सत्कार में भी समय व्यतीत होगा। इस समय भाग्य आपका साथ दे रहा है, आर्थिक पक्ष भी मजबूत रहेगा तथा आपको अपनी काबिलियत प्रदर्शित करने के लिए भी मौके प्राप्त होंगे। लोगों के जीवन में घट रही नकारात्मक घटनाओं को देख आपको अपने जीवन के बारे में भी चिंता महसूस हो सकती है, लेकिन फिलहाल व्यर्थ चिंता में अपना वक्त जाया ना करते हुए खुद को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने की कोशिश करें। साथ में जो घटना हुई है उनके बारे में सोच विचार करके अपनी ऊर्जा को भी ना गवाएं। काम की जगह चल रहे षष्ठ यंत्र की वजह से मानसिक तकलीफ से गुजरना पड़ सकता है, लेकिन आपका किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। पार्टनर स्पष्ट स्वरूप से आपके साथ संवाद नहीं बना पाएंगे, जिसके कारण आपको चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। बातचीत के लहजे में सावधानी बरतने की जरूरत है। गुस्से की वजह से कोई स्थिति बिगड़ सकती है। किसी प्रकार की भी खरीदारी करते समय अपने बजट का ध्यान अवश्य रखें। मानसिक शांति के लिए किसी धार्मिक स्थल में कुछ समय व्यतीत करें। बात करते हैं लव लाइफ की, घर का वातावरण अच्छा रहेगा। ससुराल वालों की तरफ से कोई खबर मिलेगी। अपने अहंकार को दूर रखकर परेशानियों का सामना करना अच्छे साथी की निशानी है। अपने आंतरिक संघर्षों का समाधान करने का समय आ गया है, इसके लिए आपको जीवन के मुख्य मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। अपने खास दोस्त की कुछ बातें आज आपको विचलित कर सकती है, सब्र रखें। सब कुछ भूलकर बस अपने भविष्य के बारे में सोचें। आप दोनों का आने वाला समय जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय साबित होगा। बात करते हैं करियर की, आपका व्यवहारिक दृष्टिकोण आपको आर्थिक रूप से समृद्ध होने में मदद करेंगे, साथ ही नई पहचान भी दिलाएगा। दूसरे की सलाह से पहले ही योजनाएं बना ले ताकि आपकी क्षमताओं के बारे में अन्य लोग भी जाने। आत्ममूल्य व महत्वपूर्ण कुंजी है जो शैक्षणिक सफलता के लिए अति आवश्यक है। परिवर्तन की हवाएं आज आपके काम और व्यावसायिकता को नया मतलब देगी। विदेशी व्यापार और नई सहायता आपके व आपके कंपनी को नए अवसर प्रदान कर सकती है।
अपने नए उत्पाद के लिए नए विचारों की तलाश करें। इनके लिए इंटरनेट एक बेहतरीन स्रोत है। धीरज और व्यवहार कुशलता दो ऐसे गुण है जिन पर हमेशा अड़िग रहें। समय पूरी तरह आपके पक्ष में भी हो सकता है। अपना काम निकलवाने में आप माहिर रहेंगे और सभी काम सुचारू रूप से बनने से मन में खुशी रहेगी। बात करते हैं सेहत की। गले में इन्फेक्शन की तकलीफ से बुखार महसूस होगा। ठंडे पदार्थों के सेवन से परहेज रखें। मानसिक थकान के कारण शारीरिक स्टेमिना पर भी असर दिख सकता है। आज का उपाय, आज अब शनि भगवान जी को काली तिल चढ़ाए शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।